आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के पूर्व सचिव रमेश अभिषेक के ठिकानों पर छापेमारी की। रमेश अभिषेक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे। रमेश पर आरोप है कि उन्होंने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के आईपीओ को बाजार में लाने में कंपनी की मदद की थी। अभिषेक बिहार कैडर में 1982 बैच के अधिकारी हैं। अभिषेक साल 2019 में रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के बाद अभिषेक ने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ज्वाइन किया था। अभिषेक पर साल 2023 से ही लोकपाल की जांच चल रही है। उन पर जांच की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया, जिसमें सामने आया था कि उन्हें अलग अलग कंपनियों की कंसल्टेंसी देने के लिए 2,07,00,000 रुपए की रकम मिली थी, जो उनकी तनख्वाह से 119 गुना ज्यादा थी। अगर रिटायरमेंट के बाद जो रकम अभिषेक ने कंसल्टेंसी से कमाई है वो 7,19,00,000 के करीब है। अभिषेक की आईएएस रहते हुए तनख्वाह 2,26,000 रुपए थी। इस खुलासे के बाद से ही अभिषेक पर लोकपाल की जांच चल रही थी। लोकपाल ने इस मामले की जांच करने के लिए ईडी को निर्देश दिए थे। अभिषेक ने केवल पेटीएम पेमेंट बैंक से ही कंसल्टेंसी फीस नहीं ली, बल्कि ऐसी 29 कंपनियां हैं जिनमें वित्तीय वर्ष 2020-21 से अभिषेक ने कंसल्टेंसी दी थी और साल 2022-23 तक कई करोड़ की रकम अभिषेक कंसल्टेंसी की शक्ल में इन कंपनियों से वसूल चुके हैं। अभिषेक का दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश पार्ट 2 में एक बंगला भी है, जिसमें अभिषेक ने 2,66,00,000 रुपए वाइट में दिए, जबकि बाकी रकम कैश में चुकाई गई। बंगले को 8,00,00,000 रुपए में खरीदा गया था। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।